में अखिल भारतीय किसान यूनियन अंबावता गुट के द्वारा रेल रोको आंदोलन के तहत रेल को रोककर विरोध प्रदर्शन किया गया। मथुरा के राया इलाके में आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने रेल रोको आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाते हुए रेल रोककर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन टिकैत व अंबावता के पदाधिकारियों ने राया रेलवे स्टेशन पर अचनेरा कासगंज पैसेंजर ट्रेन रोकी, जहां पर किसान नेताओं ने कहा कि रेल रोककर इस केंद्र की सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की है ताकि किसान विरोधी सरकार के कानों तक आवाज पहुंच सके। सरकार किसानों के आंदोलन की अनदेखी करके अच्छा नहीं कर रही है। किसानों पर लगाए जा रहे 3 कृषि कानून वापस नहीं किया जाएगा तब तक किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करता रहेगा। भाकियू टिकैत के बुद्धा सिंह ने आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर राया में ट्रेन रोको आंदोलन को सफल बनाया। अमित अग्रवाल, राया जी, बताइए आज क्या प्रोग्राम रहा रेलों का? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे भारत वर्ष में आह्वान किया था कि रेलों को रोका जाए। जो लखीमपुर खीरी में घटना हुई थी उसमें तय हुआ था कि जो मंत्री है राज्य गृह राज्य मंत्री उसका इस्तीफा को बर्खास्त किया जाए। अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसको लेके संयुक्त मोर्चा का आह्वान था। और जो आंदोलित है किसान दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो कृषि कानून है उनको देखते हुए ये आज का प्रोग्राम किया गया। और पूरे देशव्यापी आंदोलन है जिसमें राया स्टेशन पर ये ट्रेन प्रभावित की गई है, रोकी गई है। दो दिन से बरसात हो रही है, खेतों में पानी भरा पड़ा है, किसानों की फसल बर्बाद हुई है, इसको लेकर भी कोई प्रोग्राम? देखिए, अभी हम यहाँ पे आला अधिकारी हैं, SDM साहब हैं और क्षेत्र के हैं, तो उसमें जो धान की फसल में नुकसान है, फसलों भी और आलू भी लेट हो गया, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे और उनको ज्ञापन देंगे। देखिए, हमारा ये संयुक्त मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आह्वान था, आज का राष्ट्रीय आह्वान है और उस राष्ट्रीय आह्वान के तहत ही हमने ये रेल रोकने का जो एक अभियान है, आज का जो प्रदर्शन है वो हमने किया है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, किसान का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं है, किसान का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। किसान का उद्देश्य है केंद्र में जो हमारे द्वारा सरकार स्थापित की गई है, हमारे बोर्ड से इतनी मजबूती लेकर के केंद्र में बैठी है, उसका फर्ज बनता है कि किसान की बात को सुने। और अपनी बात सुनाने के उद्देश्य से ही आज रेल रोको अभियान के तहत ये आज रेल रोकी गई है। और हमारी मानवता और शिष्टाचार रहा है कि हमने जनपद में ज़्यादा लोग परेशान ना हो, क्योंकि सवारियाँ जो बैठी रहती हैं ट्रेन में वो भी हमारे भाई बंधु, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियाँ हैं, तो उस उद्देश्य को भी हम लेकर के चलते हैं। हमारा उद्देश्य मुख्य रूप से यह है भारतीय किसान यूनियन का, किसानों का, कि केंद्र सरकार इस बात को महसूस करे कि किसान आखिरकार क्यों 11 महीने से ज्यादा रोडों पर पड़ा है, आखिरकार क्या बात है किसान के सामने कि रेलवे के ट्रैक पे खड़ा है, रेलवे ट्रैक को रोक रहा है, रेलवे ट्रैक में बैठा है। तो ये बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि अपनी जो हठधर्मता है उस हठधर्मता को माननीय प्रधानमंत्री महोदय छोड़ें, केंद्र की सरकार उस चीज से हटे और सही लीक पे, सही रास्ते पे आकर के किसान की जो मांगे बड़े लंबे समय से चल रही हैं और किसान को जिंदा रखने के लिए यह होना भी अत्यावश्यक है। किसान जिंदा रहेगा तो देश जिंदा रहेगा, समाज जिंदा रहेगा। तो हम कहना चाहेंगे, जो किसान नहीं चाहते काले कानून वापस लिए जाए केंद्र सरकार के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा, और MSP पे गारंटी का कानून बने, स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं किसानों के हित में है, वो सिफारिशें लागू की जाए, हमारा उद्देश्य ये है। इसलिए आप इसके प्रति गवाह हैं, रेल रोको अभियान हमारा सफल हुआ है। और हमारा उद्देश्य, फिर कहूंगा, किसान का उद्देश्य कभी किसी वर्ग को नुकसान पहुंचाना, किसी को आहत करना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। अपनी बात को इस माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अपने ना ये जो आंदोलनों के माध्यम से सरकार को चेतावनी, भारतीय किसान यूनियन। मथुरा के लक्ष्मी नगर के